Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope you all are doing good and preparing well for the upcoming RBI 2023 examination. I am Gulapsa, your mentor, and I welcome you all to another session of RBI 247, whereby today we will be discussing about the report that has been recently released by Fiki as well as the Asian Development Bank, the reason behind why they have downgraded India's. Growth forecast for the financial year 2023, and apart from that, what all other terms can associated with it can be understood from it. But before getting started, as uh, as I always mention that we have already started with the live classes for RBI, SEBI, and but In case if you have not still enrolled for the classes please do fast visit our website at courses at the courses.atrateanujindal.n and enroll for the same apart from that if you have still not downloaded our app please do so by going on to the google play store this app will help you provide a one-stop solution for any exam related updates live video sessions monthly magazines daily quizzes topper strategies as well as past year papers so all of these features are available on this one app called anujindal.n and before starting with the lecture, the free PDF of today's session has been already uploaded on the Telegram group. So you can find the PDF there. So, now before starting with why FICCI has downgraded India's growth forecast for the financial year 2023, I am sure that you all must be aware that there are several organizations coming up with this. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स राइट सो दे कम अप विथ दी ग्रोथ फोरकास्ट तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बोथ डोमेस्टिकली इंडिया के कॉन्टेक्स में भी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर आती है आर बी आई अपनी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में लेकर आती है कि ग्रोथ फोरकास्ट मतलब ग्रोथ जी डी पी ग्रोथ क्या होगा इंडिया के लिए इन द कमिंग ईयर व्हाट वुड बी दी इन्फ्लेशन टारगेट और वट वुड बी द इन्फ्लेशन रेट इन दी अपकमिंग ईयर्स एंड सिमिलरली वी हैव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं ये भी लेकर आते हैं सच ऑर्गेनाइजेशन सच सच एज द एशियन डेवलपमेंट बैंक मॉगन स्टैंडले मूडीज यूनाइट नेशनस आई एम एफ वर्ल्ड बैंक ये सारे अपने अपने रिपोर्ट्स लाते हैं एंड देर बाय दे कम अप्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज वर्ल्ड के लिए क्या होगा ठीक है उसके अलावा इंडिया के लिए क्या होगा मेजर इकानमीज़ इंडिया चाइना यूरो रीजन में क्या होगा तो इन सब कंट्रीज के लिए ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बताते हैं कि फोरकास्ट करते हैं ठीक है सो रिसेंटली ऑल ऑफ दिस डेटा हैज़ बिन रिलीज्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फिक्की मॉर्गन स्टैंडली मूडीज एंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकनॉमिक सिटुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स बट हम आज की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की रिपोर्ट और फिक्की की इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे So, we will be studying this too and the reasons why they have downgraded India's growth forecast. Okay, so let's get started. First, we will start with Fiki. FICI, that is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

येर ऑन योर बेसिस वो सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट थ्री परसेंट के बीच में ही रहेगी एज यू मस्ट बी अवेयर इंडिया जो है हमारी इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनमी ठीक है और यूजअली देखा गया है कि वो हमेशा अच्छी रेट पर ग्रो करती है बट बिकॉज ऑफ सर्टन सरकमस्टांसिस एंड सर्टन रीजन अभी उसकी ग्रोथ फोकास्ट को डाउनग्रेड किया गया है ठीक है अब ये जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग हाउ मच इट हैज बीन डाउनग्रेडेड अभी कितना रेट है दिस क्वेश्चन इज ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम फेज़ वन ऑफ आर बी आई ग्रेड बी एग्जाम आपने देखा भी होगा पास्ट ईयर पेपर्स में कि ऐसे क्वेश्चन फेज़ वन में पूछते हैं तो हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं आर बी आई टू फोर सेवन में फॉर द सिंपल रीजन कि ये फेज़ टू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रीज़न क्या है वाई हेज़ फिक्की डाउनग्रेडेड इंडियाज ग्रोथ फोकस। तो उसके पीछे का रीज़न आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है एंड एंड सिमिलर क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बिन आस्ड इन द रीसेंट पास्ट ईयर पेपर्स तो प्रीवियस ईयर्स में रीसेंट प्रीवियस ईयर्स में दे वॉज ए क्वेश्चन वाई आई एम एफ वाई द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज़ डिक्रीज और डाउनग्रेडिड इंडियाज़ ग्रोथ फोकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं रिस्क फैक्टर्स आर हैंटेंट टू बी अंडरस्टूड सो दैट आप वहां पे अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ अपने पॉइंट्स को एंड इन अ मच बेटर वे राइट तो कंसेप्चुअली भी क्लियर होना जरूरी है सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द मेजर रिस्क फैक्टर्स द कंट्रीब्यूटर्स विच आर पोजिंग अ थ्रेड टू इंडिया इकोनॉमिक रिकवरी सबसे पहला है जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड इट्स रिपोर्शंस फॉर द इंडियन इकॉनमी आपको ऑलरेडी पटा पता है दैट बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड इन यूरोप ऑफ बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन देर बीन अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग फर्स्ट इज द अन पोलिटिकल अनसर्टेनिटी सच एज वी हैव सीन देर बीन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एज वेल एज वी हैव सीन एन इंक्रीज in the commodity prices so there has been an increase in commodity price there has been supply side disruptions we are not getting enough of the supplies plus because of this russia ukraine war we have also seen that countries across the globe has been coming up with tightening of monetary policy so they have been tightening their monetary policy and because of this tightening of monetary policy we have seen capital outflows ठीक है कैपिटल एक्जोडस हुआ है इंडिया से एंड अदर सेवरल इमर्जिंग इकोनॉमीज सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स हैव रिजल्टेड इन अ लो ग्रोथ फॉर इंडिया ठीक है जियोपॉलिटिकल टेंशन इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है आपकी कैपिटल आउटफ्लोज इंक्रीज़ हो रहे हैं कैपिटल आउटफ्लोज के कारण जो आपकी रुपी है वो डेप्रीशिएट कर रही है सिंस रुपी इज़ डेप्रीशिएटिंग योर इम्पोर्ट्स आर गेटिंग कॉस्टलियर एक तो आपका इम्पोर्ट कॉस्टली हो रहा है बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन सेकेंड बिकॉज ऑफ राइजिंग कमोडिटी प्राइसिज एंड इनपुट प्राइसेज एज वेल एज सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन आपकी इम्पोर्ट्स कॉस्टली हो रहे हैं ऑल ऑफ दीज हैज़ इन टर्न बिंग कनेक्टेड टू ब्रिंगिंग अप विथ इन्फ्लेशन वी आर एक्चुअली इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस आप इन्फ्लेशन इम्पोर्ट कर रहे हो तो आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही है एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड वी आर सींग स्लो ग्रोथ इन दी जी डी पी ऑफ इंडिया आई होप आपको ये मेजर रीजन समझ में आ गए होंगे इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे देर आज नाउ सी वॉट आर दी अदर हाई लाइट्स ऑफ द रिपोर्ट So, the report says that the Indian economy is not immune to the global volatility. So, why is the report saying that the Indian economy is immune to global volatility? Because of certain reasons. First and obvious being that of the inflation. We are, we are unable to control or contain inflation in India. Inflation in India may increase, ja rahi hai, right? Second reason is that depreciation ho and both of these factors have have brought, have brought certain uh, certain pressure, have exerted pressure on the India's uh, India's currency as well as on India's economic prospects. So inflation depreciation plus capital outflow ye reason is hamari the Indian economy is resilient, hai, right? It is not strong enough to curtail the global volatility. Apart from that, uh, the, the report also states that because of the slowdown in the Chinese economy, Chinese economy may slow down because of the outbreak of COVID. This the world economy at large pe pressure, hai, and because of that, we are seeing an increase in input cost and supply side disruptions. Now, this increase in input cost has resulted in increase in प्राइसिस दैट इज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन तो यहाँ से भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है आपको पता ही होगा देर इज अगेटिव को रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ ठीक है तो ये चीज रहती है उसके अलावा दे एव ऑल्सो स्टेटेड द रिपोर्ट इज ऑल्सो स्टेटेड दरबीआई इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अकिश स्टैंड थ्रू आउट द कैलेंडर ईयर ऑफ 2022 अब ये हॉकिश स्टैंड क्या होता है तो इन सिंपल टर्म्स हॉकिश का मतलब होता है दैट आरबीआई इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इस कमिंग अप विथ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग द पॉलिसी रेट्स सो दैट दिस कैन रिड्यूस द डिमांड एंड देयर बाय रिड्यूस द प्राइसेस इसके अलावा वट आर दी अदर स्टांसिसकन बाई आर टेकन बी आई इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन दी कमिंग स्लाइड्स ठीक है तो हॉकिश क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाकी स्टांसिस क्या होते हैं जो आर बी आई अडॉप्ट करती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट द रिपोर्ट ऑल्सो विल बी हैज द रिपोर्ट द पॉलिसी रेपो रेट पॉलिसाइव परसेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नाउ दिस 5.65 परसेंट इज अ ह्यूज परसेंटेज और इन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम रेंज भी बताया कि इंडिया की जो पॉलिसी रेट होगी वो 5.5 पॉइंट टू सिक्स परसेंट के बीच में होगा वॉट इज द कर पॉलिसी रेपो रेट इट इज एट 4.9 परसेंट आपको पता होगा दैट इन द टू दू मंथ्स दैट इज इन मे एंड जून मे में आपको पता है ये हमारा ऑफ साइकिल था एंड इन जून

Now this is worrisome. Why is it worrisome because of certain reasons first agar aapki policy let me take a new page. suppose increase in repo rate policy repo rate first reason if there is an increase in repo rate, that means the cost of borrowing banks be in cost of uh, banks will increase its cost of lending theke? this will increase the cost of borrowings.

कॉर्पोरेट्स के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोस इंक्रीज होगा एंड इफ कॉरपोरेट्स के लिए कॉस्ट ऑफ बोरो इंक्रीज होगा इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एम्प्लॉयमेंट में कैसे होगा रिड्यूज दायरिंग हायरिंग नहीं करेंगे ये और लोगों की बिकॉज दे के नॉट एक्सपैंड दे के नॉट एक्सपैंड यर एक्टिविटीज राइट बीट मैन्युफैक्चरिंग और अदर एक्टिविटीजरटेक दे के नॉट एक्सपैंड एक्सपेंडेड बिकॉज Because the cost of financing such activity will be higher, because of an increasing uh, policy repo rate, and because of this, we will see an increasing unemployment in the country. Okay, so this is the reason. Ho gaya. Now there can be sector-specific impact because of increasing real, uh, re increasing repo rate. Now repo rate kya hota hai? I hope you know. Repo rate is the rate at which

and because of increasing cost of borrowings now people will be uh, the purchasing power of people will be decreasing and because of decreasing purchasing power people will not be investing or purchasing any of the luxury goods luxury goods log. and if they are not purchasing the luxury goods then uh, what could be the luxury goods for example vehicle cars right अब उनको जो थी अब वो नहीं खरीदेंगे बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर एंड बिकॉज ऑफ दिस वी विल सी एन इफेक्ट ऑन द ऑटो सेक्टर एज वेल देर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन द ऑटो सेक्टर अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज फॉर द ऑटो सेक्टर ना इफ यू टॉक अबाउट द रियल सेक्टर रियल इस्टेट सेक्टर आपको पता था जब पेंडेमिक uh, के टाइम पे मेनी पीपल हैव इन्वेस्टेड इन द रियल सेक्टर व्हाई दे हैव इन्वेस्टेड बिकॉज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वाज लोअर as well as their emi on such real, uh, real estate sector was very low but now because of increasing repo rate now the cost of financing will be uh, the cost of financing will increase the borrowing cost will increase now this will have an impact on the real estate so there can be other impacts as well but these are the four major impacts of an increasing repo rate और अगर ये ऐसा ही इंक्रीज होता रहा देन द दबियस थ्रेट दैट द कंट्री एट लार्ज इज विल फेस और द ग्लोबल इकॉनमी फेय इज दैट ऑफ रिसेशन देय आर कंसर्नस ऑफ रिसेशन रिसेशन कैसे होगा बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ ग्रोथ इतनी कम हो जाएगी इकॉनमी में दैट इट विल रिजल्ट इन रिसेशन एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस रिसेशन आई होप आपको ये समझ आ गया होगा नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड अब हमने बोला था कि वील डिस्कस अबाउट दी हॉकि स्टैंड वॉट आर आर वेरियसिस आर बेसिकली फोर पॉलिसी स्टैंसेस ऑफ दी आर बी आई और यू कैन से मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ठीक है तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की चार स्टांसेस हैं पॉलिसी स्टांसेस And see what is the work? What is the objective of the monetary policy committee? mind me Hamisha clear that the monetary policy committee has two objectives, the first being to have price stability. Price stability is the most important objective of the monetary policy committee or the central banks across the world. and secondly, in while maintaining the price stability. सेंट्रल बैंक शुड ऑल्सो मेंटेन ग्रोथ ठीक है ग्रोथ को भी मेनटेन करना है कीपिंग इन माइंड ग्रोथ एंड दट्स वाई आपने देखा होगा कि देर इज ऑलवेज अ तस्ल बिटवीन दीज टू एंड दब्जेक्टिव और दर्क ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन करटेनिंग इन्फ्लेशन प्राइस स्टेबिलिटी से इन्फ्लेशन रिलेटेड है एंड मेंटेनिंग योर डी डी पी ग्रोथ सो द फर्स्ट पॉलिसी स्टैंड इज दैट ऑफ एकोमोडेटिव एकोमोडेटिव का क्या मतलब होता है आप एकोमोडेट करना चाहते हो मनी सप्लाई को राइट तो एकमोडेटिव स्टैंड में बेसिकली ये होता है कि इकोनोमी में इतना मनी सप्लाई नहीं है और इन्फ्लेशन रेट लो है दैट मीन्स इन्फ्लेशन इज नॉट ऑफ एन इमीडिएट कंसर्न फॉर दी इकोनॉमी एंड दी आर बी आई वॉन्ट्स टू बूस्ट ग्रोथ डिमांड कम देखा जा रहा है इकोनॉमी में जैसे आपने कोविड के टाइम तो so पे देखा होगा पेंडेमिक के टाइम पे देर वॉज लो ऑफ डिमांड सो वॉट वुड द गवर्नमेंट और द आर बी आई डू द आर बी आई विल ट्राई टू कम अप विथ एकोमोडेटिव स्टैंड वेयर बाय इट विल रिड्यूज पॉलिसी रेपो रेट यहाँ पे डिक्रीज इंटरेस्ट का मतलब होता है डिक्रीजिंग द पॉलिसी रेपो रेट अब पॉलिसी रेपो रेट कम होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग भी कम हो जाएगा है ना बैंक्स जो होंगे वो कस्टमर्स को कम रेट पर कम रेट पे लोन देंगे तो सिंस कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इज लेस और लोअर पीपल विल बी मोर अट्रैक्टेड टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक एंड देन यूज इट फॉर देयर ओन पर्पज वीट अगर उनको पर्सनल एक्सपेंसिस के लिए चाहिए या फिर उनको कॉरपोरेट्स के कॉरपोरेट्स को चाहिए फॉर इम्प्रूविंग देयर इन्वेस्टमेंट तो इन सब के लिए The RBI or the Monetary Policy Committee goes for the accommodative stance, whereby it tries to decrease, it tries to reduce the interest rate in order to increase the money supply in the economy by increasing the demand by the consumers. And thereby, when demand increases, it increases the growth, the GDP growth of the economy. So, this iska, iska means accommodative stance. The second stance is that of hawkish. हॉकिश में क्या होता है रेट हाइक्स होते हैं रेट क्यों हाई किया जाता है बिकॉज अब देखो एकोमोडेटिव में कंसर्न क्या है आप अब मैंने बताया दैट दे आर टू देर इज टू ऑब्जेक्टिव राइट ऑफ अ मोनिट्री पॉलिसी कमिटी प्राइस स्टेबिलिटी एंड मेंटेनिंग ग्रोथ एकोमोडेटिव में आपका जो मेजर कंसर्न है वो है ग्रोथ की सिमिलरली हॉकिश में बिल्कुल ऑपोजिट है यहाँ पे योर कंसर्न इज प्राइस स्टेबिलिटी दैट इज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन अब इन्फ्लेशन को आप कैसे कंट्रोल करोगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए द मोनिट्री पॉलिसी कमिटी और दर बी आई विल इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट एंड बाई इंक्रीजिंग बाई हाइकिंग द पॉलिसी रेपोरेट इट विल मेक द कॉस्ट ऑफ बोरो कॉस्टलियर एंड दे फॉर इट विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन मनी सप्लाई अब बोरोविंग्स कॉस्टली हो जाएगा तो पीपल कम बो करेंगे इफ पीपल लेस देन देर इज लेस मनी सप्लाई अवेलेबल इन द इकोनॉमी एंड बिकॉज ऑफ लेस मनी सप्लाई पीपल विल बी डिमांडिंग लेस अब पीपल कम डिमांड करेंगे तो उनकी परचेजिंग पावर तो कम होगी बट एट द सेम टाइम इट विल स्लो डाउन इनफ्लेशन अब डिमांड कम होगा तो ऊपर भी कम होंगे एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग प्राइसिस इट विल रिड्यूज इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी

जून अप्रैल और जून का मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पढ़ी होगी तो वहाँ पे दे वॉज़ अ वर्ड मैंशन कैलिब्रेटेड विड्रोवल कैलिब्रेटेड विड्रोवल में क्या होता है कि सी इन कैलिब्रेटेड विड्रोवल अब अब देखो ये हॉकिश से सिमिलर है बिकॉज इन केस ऑफ कैलिब्रेटेड टाइटनिंग एज वेल द मोनिट्री पॉलिसी कंपनीटी इंक्रीज द रेपो रेट बट ये इंक्रीज एक बारी नहीं होता जैसे हॉकिश में होता है इन केस ऑफ कैलिब्रेटेड टाइटनिंग दिस इंक्रीज इन रेपो रेट इज़ डन इन अ कैलिब्रेटिड मैनर मतलब थोड़ा थोड़ा करके राइट धीरे धीरे यहाँ पे सपोज़ पॉइंट टू परसेंट से इंक्रीज कर दिया फिर पॉइंट फोर परसेंट से इंक्रीज़ कर दिया सो दिस इज़ नॉन एज कैलिबरेटेड टाइटनिंग अब यहाँ पे भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आ जाती है और आपकी जो ओवरऑल पॉलिसी स्टैंड होती है इट इज़ टिल्टेड टूअर्ड्स अ रेट हाई सो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग के बाद ही आपकी हॉकी स्टैंड आती हैं ठीक है थीके? तो बस इसका मेजर डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आप आराम से इन अ कैलिब्रेटेड मैनर यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स एज अ सिटुएशन वॉर अगर सिटुएशन ऐसे आ जाती है दैट स यू विल गो फॉर कैलिब्रेटेड हो समझ आ गया होगा नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अदर हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट अब जो रिपोर्ट थी एशियन डेवलपमेंट बैंक इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में उन्होंने सेक्टर वाइज ग्रोथ फोरकास्ट किया है दैट इज एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज एंड फॉर विच देव पैक्ड एट थ्री परसेंट लास्ट टाइम इन्होंने थ्री परसेंट दिया था अभी भी थ्री परसेंट एंड देव ऑल्सो इंक्रीज दी ग्रोथ फॉर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सिक्स पॉइंट टू परसेंट एंड सेवन पॉइंट एट परसेंट नाउ आई हैव सी इकोनॉमिक सर्वे दो हजार इक्कीस बाईस ने भी ये ग्रोथ फॉरकास्ट दिया था एंड दिस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस फॉर योर एग्जाम एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है स्पेशली इन फेज़ वन तो आपको ये याद रखना जरूरी है नाउ अब आपका एग्जाम 2023 में होगा तब तक इकोनॉमिक सर्वे 2023 थाउजेंड की आ जाएगी तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ऐड अनदर टेबल अनदर कॉलम हियर वेर बाई यू विल राइट 2023 एंड देन यू विल कंपेयर विद द फिगर्स ऑफ 2022 ठीक है और द रिपोर्ट इज आल्सो टॉक्ड अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन

और जो हमारा पॉलिस जो हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ फोर पर्सन है वी विल बी एबल टू रीच टू दिस रेंज दैट इज़ फोर परसेंट प्लस और माइनस टू परसेंट बाई द एंड ऑफ जून 2023 ओनली उससे पहले वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट इन्फ्लेशन इन इंडिया कुड बी मिनिमाइज ठीक है इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और भी चीज़ें बताई जिसमें एक ये भी था दैट द नीड फॉर आर बी आई टू कंटिन्यू गिविंग द एम एस एम ईज द लिक्विडिटी लिक्विडिटी फैसिलिटीज बिकॉज एम एस एम ईज हैज़ बिन दोस्टेड ड्यूरिंग दिस स्टेट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन इंक्रीज इन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट उनको लोन्स बहुत महंगे मिल रहे हैं और जो भी अगर सपोज उनको मिल रहा है दट हैज़ बीन रिड्यूसिंग और इरोडिंग द परचेजिंग पावर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन or both of these factors has resulted in a very uh, difficult situation for msmes. therefore, uh, asian development bank, yekera tha that there is a need of rbi to come and intervene by providing certain liquidity to these msmes. but it is also stated that rbi should also see that their financial position is not फाइनेंशियल पोजिशन द फाइनेंशियल लैंडस्केप ऑफ इंडिया इज नॉट बींग हार्म कैसे हार्म नहीं हो रहा बाई इंक्रीजिंग एन पी ए सपोज आपने इनको सपोर्ट करने के चक्कर में आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी वॉट इफ दे आर नॉट एबल टू रीपे द लोन दैन दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर द बैंक्स तो आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है इन विच वे यू हैव टू कम अप विद इनोवेटिव सोल्यूशन सो दैट द लिक्विडिटी कंस्ट्रेंस जो एम एस एम ई फेस कर रहे हैं वो रिड्यूस हो जाए और एम पी ए भी इंक्रीज ना हो नाउ दे आर सर्टन सेवरल सजेशंस प्रोवाइडेड बाई फिक्की द फर्स्ट इज दैट फिकी ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने जो बजट uh, में कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेट किए थे द गवर्नमेंट शुड रियलाइज सच कैपिटल एक्सपेंडिचर सच सो दैट बाई स्पेंडिंग बाई स्पेंडिंग एंड बाई इंकरिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर इट कैन बूस्ट द डिमांड इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन तो इंक्रीज़ हो ही रही है बट बाई कमिंग अप विद दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर इट कैन एटलीस्ट प्रोवाइड सर्टन रिलीफ टू दी कंज्यूमर्स क्योंकि इनकी जो परचेजिंग पार है वो बहुत ही गंदे तरीके से डिक्रीज़ हुई है तो द फिक्की सेंग दट गवर्नमेंट शुड एन्श्योर दैट वॉट एवर प्लान एक्सपेंडिचर टारगेट और स्पेंडिंग टारगेट इट हैज़ टेकन इट इज इट इज़ नॉट करटेल्ड और ये आप फुलफिल uh, कर रहे हो

पेट्रोल डीजल अगर उनपे प्राइसेस कम होती हैं इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी अपार्ट फ्रॉम दैट बिकॉज ऑफ दी एक्सट्रीम वेदर द कंडीशन विच कैन हैपन एनी टाइम तो स्विक्की ये भी सजेस्ट कर रहा है कि द द स्टेट गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कम अप विथ बेटर फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग एक्टिविटी फॉर द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज सो दैट आप पहले से फोरकास्ट कर पा रहे हो मतलब हार्वेस्टिंग टाइम आपका डिले नहीं हो रहा है राइट right? और आप बेटर वेयरहाउस प्रोवाइड कर पा रहे हो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी लॉसेस ऑफ ऑफ़ दिस पेरिशेबल एग्रीकल्चरल कमीज आप बेटर वेयरहाउस प्रोवाइड करो फ्रीजेस फ्रोजन फ्रीजेस जो होते हैं वो प्रोवाइड करो सो so दैट ट्स सो so, इसके लिए आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा प्लान करना पड़ेगा चीज़ें इन एडवांस सो दैट ऑल ऑफ दीज फीचर्स कैन बी यूटिलाइज सो दैट जो आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो डिक्रीज या फिर स्टेगनेंट ना हो वो इंक्रीज होता रहे तो दिस वाय दजेशंस बाय फिक्की ना विल टॉक अबाउट इन ब्रीफ वाई हैज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक कट इंडिया जी टी पी ग्रोथ फर्स्ट ये देख लेते हैं कि कितना कट किया है उन्होंने देखो सबसे पहली चीज एशियन डेवलपमेंट बैंक कम अप विथ एशियन डेवलपमेंट आउटलुक और इन्होंने टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एज वेल एज फॉर द फिजिकल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर दोनों के लिए जी डी पी ग्रोथ फोरकास्ट बताया है एंड इट हैज़ रिड्यूज बाई इट हैज़ रिड्यूसड टू सेवन पॉइंट टू परसेंट दो हज़ार तेईस के लिए इन्होंने

सी कंज्यूमर की जो कॉन्फिडेंस है वो मे बी इंक्रीज़ हो रही हो इकॉनमी में बिकॉज अब अगर आपने देखा होगा तो दिस ईयर जो दिस मंथ मतलब लास्ट मंथ का जो सी पी आई इन्फ्लेशन था इट इज डाउन टू अराउंड सेवन परसेंट तो वो ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो रहा है बट बिकॉज ऑफ द हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इतना हाई है इट हैज़ बिन इरोडिंग इट हैज़ बिन रिड्यूसिंग और ईटिंग अप ऑन द कंज्यूमर परचेजिंग पावर तो जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है वही डिक्रीज हो रही है एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे द कॉमन मैन विच इज़ सर्वाइविंग ऑन द मिनिमम वेजेस जिनके पास ऑलरेडी पहले से ही इशू था राइट दे वर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के कारण प्राइसेस बेसिक कमोडिटीज के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो अगर वो कल को लाइक बिफोर दिस इफ ही पर इफ ही वॉज कंज्यूमिंग टू रोटीज नाउ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ही इज एबल टू हैव कंज्यूम पॉइंट फाइव रोटीज लेट से ठीक है तो इसके वजह से दिस इज द रीजन वाई वी आर रिड्यूसिंग दी टी पी ग्रोथ फोरकास्ट उसके अलावा सिंस आर बी आई हैज बीन इंक्रीजिंग दी रेपो रेट आपको पता होगा पहले फोर परसेंट से फोर पॉइंट फोर परसेंट किया ना फोर पॉइंट फोर परसेंट से फोर पॉइंट नाइन परसेंट हो गया है आपकी रेपो रेट एंड इन द कमिंग मंथ देर इज इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आर बी आई विल बी कमिंग अप विद इट्स मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट उसमें पता नहीं और कितना इंक्रीज किया जाएगा सो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग रेपो रेट बैंक्स हैव बिन इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ लैंडिंग एंड बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंडिंग बींग इंक्रीज वी आर सींग लोअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाई बिकॉज ऑफ लोअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देर इज अ लोअर ग्रोथ लोन्स महंगे हैं पीपल कम लोन ले रहे हैं सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन बिजनेस और अदर एक्टिविटीज इन ग्रोथ थर्ड टॉक्ड अबाउट नेट एक्सपोर्ट्स उन्होंने ये बोला कि अब आप देखो देर इज अ पैराडॉक्स बिफोर टॉकिंग अबाउटॉक्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस नेट एक्सपोर्ट्स आर नेट एक्सपोर्ट है And why is this increasing? Because of two reasons. First, subdued decrease in the global demand because of the ongoing geopolitical tensions, and secondly, because of increasing real effective exchange rate. Now, you hoga, that our Indian rupee, our rupee has been depreciating, and any depreciating rupee is good for exports. Exports are एक्सपोर्टर्स आर हैप्पियर राइट जब भी रुपी डिप्रिसिएट होता है तो एक्सपोर्टर्स हैप्पी होते हैं क्यों सपोज वन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज़ फिफ्टी नाउ वन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज़ सेवेंटी फाइव तो पहले अगर एक्सपोर्टर को फिफ्टी वन डॉलर एक्सपोर्ट करने पे फिफ्टी रुपीज़ मिल रहा था नाव ही विल भी गेटिंग सेवेंटी फाइव सो दियस रीजन ही विल भी हैप्पी बट द पैराडॉक्स विच इज़ ट्रीटेड हेयर इज दैट

तो फर्स्ट एंड ऑब्वियस रीजन ठीक है वैल्यू टर्म्स में इंक्रीज हो रहा है हमारी जो ओवरऑल ग्लोबल डिमांड है डिमांड हैज़ बिन ग्लोबल डिमांड हैज़ बिन रिड्यूस्ड ठीक है सेकेंड रीज़न वो बात कर रहे हैं रीर के बारे में अब ये क्या होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट तो बेसिकली ये एक तरीके का इंडेक्स है जैसे आपने पढ़ा होगा सी पी आई और डब्ल्यू पी आई के बारे में दीज आर इंडेक्स राइट दीज आर इंडेक्स इन द सेंस की यहाँ पे आप एक बेस ईयर लेते हो और बेस ईयर के थ्रू फिर आप कंपेयर करते हो तो आप देखो देर नाउ एक्सचेंज अब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज रेट तो इट कैन बी इधर मार्केट मार्केट लेट एक्सचेंज रेट राइट मार्केट लेट एक्सचेंज रेट देन वी कैन हैव परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट एंड थर्डली वी हैव रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अभी जो मार्केट एक्सचेंज रेट है इट्स बेसिकली शोज कि वन डॉलर या वन कोई भी फॉरेन करेंसी कितना है इन नॉमिनल इन वैल्यू टर्म्स ऑफ रुपी ठीक है तो ये मार्केट एक्सचेंज रेट शो करता है परचेजिंग पार पैरिटी एक्सचेंज रेट शोज कि वॉट इज द लेवल ऑफ कंजम्पन सपोज यू आर इन इंडिया राइट एंड यू आर इन यू एस सपोज यू आर परचेजिंग सर्टन बेसिक कमोडिटी सीरियल्स ले लो और राइस ले लो अग, अगर सपोज सीरियल्स एंड राइस ठीक है अब ये देखा जा रहा है कि वन डॉलर में आप कितना खरीद पा रहे हो यूएस में द सिमिलर और द सेम गुड्स एंड फॉर द सेम वन डॉलर हाउ मच आर यू एबल टू परचेज इन इंडिया तो दिस शोज योर परचेजिंग पार परचेजिंग पार के बेस पे आपकी परचेजिंग uh, पावर के बेस पे आपका एक्सचेंज रेट क्या है तो मार्केट लेड जो हमारा एक्सचेंज रेट है जो कि अभी वन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज एटी है दिस इज़ वेरी हाई दैट मीन्स आर रुपी हैज़ बिन डेप्रिसिएटिंग इन कंटेक्सट ऑफ द डॉलर बट इफ यू टॉक अबाउट द परचेजिंग पार आर परचेजिंग पार पैरिटी हैज़ बिन डूइंग बेटर बिकॉज एक डॉलर में अगर आप वन क्वान्टिटी ले पा रहे थे सीरियल्स और राइस की तो इंडिया में आप सिमिलर सिमिलर लाइन्स पे आप ले पा रहे होते हो ठीक है जो टेन थाउजेंड डॉलर्स सपोज टेन थाउजेंड डॉलर्स इन यू के होता है टेन थाउजेंड डॉलर्ज इन यू के में नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ परचेजिंग पैरिटी टू अ अस सिटीजन दैट इट कैन प्रोवाइड टू एन इंडियन सिटीजन इंडिया के केस में परचेजिंग पैरिटी अच्छी है बिकॉज फॉर द सेम अमाउंट वी आर एबल टू गेट मोर ऑफ द क्वान्टिटी अब आता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अब रियल सॉरी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है अब ये जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है इट इट इज एवरेज तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द बायलेट्रल बायलेट्रल एक्सचेंज रेट बिटवीन योर डोमेस्टिक करेंसी एंड द करेंसी एंड द फॉरेन करेंसी विथ विच यू आर हैविंग ट्रेड अब देखो हम बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि डॉलर डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट कर रही है रुपी डप्रिशिएट कर रही है विजा विज द डॉलर वाई आर इंट वी टॉकिंग अबाउट सम रैंडम करेंसी सच इज़ ऑफ दैट ऑफ लेट्स से आयरलैंड आयरलैंड की करेंसी के साथ हम क्यों नहीं कंपेयर करते या फिर बांग्लादेश की करेंसी के साथ हम क्यों नहीं कंपेयर करते अपनी रुपी को सो so, अब ये कंपेरिजन भी उनके साथ होता है जिनके साथ हमारा मेजर ट्रेड होती है अगर आपने फाइनेंशियल uh, ईयर 2022 मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देखी होगी देन आर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 इज यूएस यूएस हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दैट इज द रीजन व्हाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट द डेप्रिसिएशन और द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी इन द कंटेक्स ऑफ यू डॉलर्स तो अब ये जो रीर है दैट इज़ द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये बेसिकली एक इंडेक्स शो करता है जहाँ पे ये वेटेज प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड अगर अब आप देखो आपके जितने भी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स होंगे फॉर एग्जाम्पल यू एस देन वी हैव चाइना वी ऑल्सो ट्रेड विथ यू ए सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज इनके साथ जितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होगा उसको आप एज अ वेट लोगे एंड नाउ वी विल सी दी एक्सचेंज रेट विजाविज द करेंसी ऑफ दीज कंट्रीज तो डॉलर के वीजाविज क्या है चाइनीज युआन, रेनमिन भी के वजाविज क्या है सिमिलरली इनके करेंसीज़ के थ्रू आप एक्सचेंज रेट लोगे और इसके एव इसको लोगे एक्सचेंज रेट जो भी होगा एंड दिस इज़ द वेट द एक्सचेंज रेट और वेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा दैट विल बी नोन एज योर रेड और इसको फिर सिंस इट इज़ एन इंडेक्स इट इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद दी बेस ईयर तो आपकी जो भी बेस ईयर होगी उससे कंपेयर की जाएगी सपोज़ बेस ईयर में आपको हमेशा पता है कि कोई भी बेस ईयर हो बी टू थाउजेंड फाइव सिक्स और टू थाउजेंड इलेवन ट्व और फॉर दैट मैटर एनी ईयर इट विल ऑलवेज बी हंड्रेड अगर आपकी रीर वन जीरो फाइव पॉइंट सिक्स है दैट मीन्स दैट दैट मीन्स द अब देखो ये जो वैल्यू निकाला जाएगा इसको नीर बोला जाता है ठीक है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अब अगर आप नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे इफ़ इट इज़ एडजस्टेड बाई इन्फ्लेशन दैन दिस विल रिजल्ट इन रीर अब ये रीर क्या शो कर रहा है इट इट शोज़ योर एक्सपोर्ट कम्पटिटिवनेस कितना एक्सपोर्ट कम्पटिटिव है आपकी इकोनोमी अगर 1.05.6 है इसका ये अगर सपोज नीर है नीर विल शो योर डेप्रिसिएटिंग और एप्रिसिएशन इन योर रुपी एंड रियर विच शो योर एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस इफ़ इट इज़ 1.05.6, इट मींस दैट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन यू आर यू आर एक्चुअली गोइंग टू एक्सपोर्ट लेस ठीक है इन्फ्लेशन के वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं So, this is the reason which they have written that is that is an increase in real effective exchange rate. Increase 100 agar 105, 108 this This increases because of inflation, and because of inflation, we are able to export less. Our export competitiveness in the economy decreases. So, this was all for today. Now, there are certain questions for you. The first question talks about the various stances.

and the second question says in the context of current economic scenario, which of the following are the major risk factors to india's economic recovery? now this question can be asked in your phase 2 of rbi grade b and similar question like what are the reasons why countries or organizations across the world has been downgrading india's gdp growth. such question can even be asked in your interview. Okay. तो ये हैं सारे विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन राइजिंग कमोडिटी प्राइजेस डिक्रीजिंग रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स इन जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इसका आंसर आपको प्रोवाइड करना है बहुत क्वेश्चन वन एंड टू इन द कमेंट सेक्शन एंड विथ एक्सप्लेनेशन ठीक है सो ट्राई टू हैव दैबिट ऑफ राइटिंग डाउन द एक्सप्लेन बिकॉज दिस विल हेल्प यू हैव अ मोर ऑफ द क्लैरिटी कंसेप्शल क्लैरिटी दी आंसर्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन दिस पी डी एफ So, this was all for today. I hope you liked the session. In case of any doubt, you can write it down in the comment section. Thank you. Till then, bye bye.